में क्या, टैंक हैज़ टू इनलेट विच इज कैन बी फिल इन 7 आर और 9 आर। देखिए एक टैंक में क्या हुआ है, दो इनलेट पाइप है, मतलब कि दो पानी भरने वाले पाइप हैं, ठीक है। वो कितना समय लेते हैं उस टंकी को फिल करने में, एक लेता है 7 घंटे लेता है, ठीक है, और एक क्या लेता है 9 घंटे लेता है रिस्पेक्टिवली। इन आउटलेट कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 21 आवर। एक बाहर निकालने वाला पानी है वो कितने घंटे में टंकी को खाली कर देता है, 21 घंटे में टंकी को खाली कर देता है। इफ़ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन टूगेदर इन एम्प्टी टैंक, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द कम्प्लीटली। तो बताना क्या है, खाली टंकी को तीनों पाइप जब एक साथ ओपन कर देते हैं तो कितने समय में उस टंकी को फिल कर लेगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए मान लीजिए ए पाइप क्या करता है, ए पाइप करता है 7 घंटे में खाली करता है, ठीक है। बी पाइप कितना घंटे में करता है खाली, मतलब भरता कितने घंटे में, 9 घंटे में, ठीक है। ये दोनों पाइप क्या कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है। और जो सी पाइप है वो क्या कर रहा है, 21 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, मतलब उसको माइनस ले लो, ठीक है। अब ले लो इन तीनों का एलसीएम। तो देखिए 7, 9 और 27 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है, 27 का, सॉरी 21 का लेना है एलसीएम, ठीक है। अब क्या आएगा, 3 3 जा और 3 7 जा, ठीक है, 3 1 जा और 7 जा, ठीक है, और 9 9 7 जा कितना होता है, 63 होता है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, देखिए इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 63 आ गया, मतलब कैपेसिटी ऑफ अ क्या आ गया, टैंक आ गया, ठीक है ना, टंकी है ना उसकी कैपेसिटी आ गई। अब ए है जो ए पाइप, वो कितने 1 घंटे में कितने यूनिट पानी भरता है, आपको ये निकाल लीजिए। तो करना क्या है, एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो कितने बार में जाएगा ये, 9 टाइम्स, मतलब कि 9 यूनिट क्या करता है, वो एक टाइम में 1 घंटे में भर लेता है। इसी तरीके से बी का निकाल लीजिए, 63/ किसके साथ, 63/9, ठीक है, तो कितना आएगा, 7, ठीक है, तो कितना आ गया, 7 यूनिट आ गया, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा बी का, ठीक है, तो बी का क्या आएगा, 21 * 63, तो कितना आएगा, 63/21, तो कितना आएगा, 3, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 3 यूनिट, ठीक है। 3 यूनिट क्या करता है, पानी खाली करता है, ठीक है, 3 यूनिट क्या करता है, पानी खाली करता है। अब इन तीनों को एक साथ ओपन करेंगे तो इनको जोड़ दीजिए, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, -3 से क्या होगा आपका, 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 + 7 कितना होता है, 12 + 13। तो ये तो तीनों पे पानी, मतलब टंकी, मतलब क्या बोलना चाहिए, पाइप अगर ओपन कर देते हैं, ठीक है ना, तो कितने यूनिट पानी भरते हैं 1 घंटे में, 13 यूनिट क्या करते हैं, पानी भरते हैं, ठीक है, 13 यूनिट पानी भरते हैं। टोटल आपके पास कैपेसिटी और टैंक कितनी, 63 है, ठीक है ना, तो 63 को करिएगा 13 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, 13 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा, 4 जा कितना आएगा, 12 जा 1 जा, 4 जा 6 जा, तो 62 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 62 आ गया, बचा कितना, 1 बचा, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, 4 1/13 आएगा। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 4 1/13 आवर्स इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओके दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा।